ओम शांति। ब्रह्मा बाबा ने सभी को बहुत प्यार, अपनापन और शुभ भावनाएं दी। जब से बाबा प्रजापिता ब्रह्मा बने, शिव बाबा ने उन्हें ये टाइटल दिया, उनको गहन स्मृति हो गई, स्वरूप बन गया, मैं प्रजापिता हूँ, सब मेरी संतान हैं, इसलिए मुझे सभी को प्यार बांटना है, सभी की पालना करनी है, सभी के दुख दूर करने हैं। हम भी अपने बाबा को फॉलो करेंगे, हमें भी सबको प्यार देना है। और ये प्यार हम तब दे सकेंगे जब हमारे अंदर ये स्वमान रहेगा कि मैं पूर्वज हूँ, इष्ट देव देवी हूँ, मास्टर ब्रह्मा हूँ। सभी आत्माओं को हमारे प्यार की बहुत जरूरत है। हम सृष्टि के बड़े हैं, हमारा प्यार आत्माओं को शांत करेगा, संतुष्ट करेगा, उनकी आंतरिक शक्तियों को बढ़ाएगा, उन्हें रिलैक्स करेगा। लौकिक में भी आप देख लें, जिन बच्चों को अपने बड़ों से प्यार नहीं मिलता, उनकी मनोस्थिति पूरा जीवन कैसी रहती है, वो उदास रहते हैं, खुशी का उनके जीवन में अभाव हो जाता है। तो हम भी इस सत्य को जानते हुए सबको प्यार की दृष्टि दें, दूर से ही दें। और प्यार की दृष्टि देने के लिए न केवल आत्मिक दृष्टि की आवश्यकता है, पर ये संकल्प करें कि सभी आत्माएं हमारे ही हैं, हमारे परिवार के हैं, हमारे ही परमपिता की संतान हैं, हमारे महान देव कुल के वंशज हैं। ये हम याद रखेंगे, ये एटीट्यूड रखेंगे, तो ऑटोमेटिकली हमसे सबको प्यार की गुड फीलिंग होती रहेगी। आप सब देखते हैं, बाबा जब नीचे आते हैं तो बाबा कोई एक एक को प्यार नहीं देते हैं, लेकिन बाबा की दृष्टि ये है, उसका एटीट्यूड ये है कि मेरे ही परिवार की महान आत्माएं मेरे सामने हैं, मेरे बच्चे बैठे हैं, तो ऑटोमेटिकली प्यार के वाइब्रेशन सब तक पहुंचते रहते हैं। हम भी अपने को श्रेष्ठ स्वमान में स्थित करें और बस बाबा से प्यार लें, दूसरों को दें। देखिए, प्यार वही बांट सकता है जिसके प्यार के भंडारे भरपूर हों, और हमारा प्यार बिल्कुल निर्मल हो, निष्काम हो, वासनाओं से मुक्त हो। जिस प्रेम में वासनाएं हैं वो तो वास्तव में प्रेम रहता ही नहीं। जिस प्रेम में स्वार्थ है उस प्रेम की शक्ति भी नष्ट हो जाती है। जिस प्रेम में अपनापन नहीं है, केवल दिखावा है, वो भी प्रेम दूसरी आत्माओं को बल नहीं देता। तो प्रेम में भी बहुत शक्ति है। हमारा निर्मल निश्चल प्रेम आत्माओं को बल प्रदान करता है। बाबा का प्यार पाकर ही तो हम माया को जीतने में तत्पर हो गए, और अगर बाबा हमें प्यार न देता, केवल डांटता कि तुमने मेरी बहुत ग्लानि की, तुम बड़े पापी बन गए, तुम तो पतित हो, तो हमें कैसा लगता? हम शायद उसकी एक भी बात सुनने को तैयार न होते। अपने बच्चों को भी प्यार दें, सम्मान भी दें, उनका आदर करें, फिर जो कुछ आप उन्हें कहेंगे वो भी उसका सम्मान करेंगे। तो परिवारों में प्रेम का माहौल बनाने का सबको लक्ष्य रख लेना है, और ये लक्ष्य बड़ों को अवश्य रख लेना चाहिए, माँ बाप को अवश्य रख लेना चाहिए। अगर परिवार में प्यार का माहौल नहीं है तो हम अपने दृष्टिकोण को चेंज करें, उनके प्रति आत्मिक दृष्टि अपनाएं। जरा भी किसी के लिए मन में नफरत या घृणा आ गई हो उसको समाप्त करें। आज सारा दिन यही हमारा पुरुषार्थ होगा, किसी के लिए भी हमारे मन में घृणा नफरत का भाव नहीं, सब हमारे अपने हैं, सबको हमें आगे बढ़ाना है। और आज सारा दिन आत्मिक वृत्ति का अभ्यास करते हुए ये वृत्तियां हो गई, और हम दूसरों की वृत्तियों को बदलेंगे अपनी शुभ भावनाओं से, और सारा दिन सर्वशक्तिवान से किरणें लेते रहेंगे, क्योंकि हमारे अंदर अगर शक्तियां होंगी तो ही हमारा प्यार दूसरों का कल्याण कर सकेगा।
तो परम धाम में शिव बाबा को सर्वशक्तिवान के रूप में विजुअलाइज करेंगे, उसके स्वरूप पर अपनी बुद्धि लगाएंगे और अभ्यास करेंगे। उसकी शक्तियों की किरणें नीचे मुझ में आ रही हैं और फिर इन किरणों के मार्ग से ही मैं आत्मा परम धाम में जाती हूँ और बाबा के पास बैठ जाती हूँ। यही अभ्यास हर घंटे में दो बार करेंगे और आज के दिन का आनंद लेंगे। ओम शांति।